लेकिन जरा दर्शकों को कुछ और भी मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर बीजेपी गेन करती हुई नजर आ रही है, अगर कांग्रेस को नुकसान हो रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक, क्यों हो रहा है? उसके पीछे दरअसल एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये जातियों का जो आंकड़ा है उसमें कौन कहां पर है वो जरा आप समझिए, क्योंकि भारतीय राजनीति की एक बहुत बड़ी सच्चाई जाति है, जाति के इर्द गिर्द राजनीति घूमती है। अब कांग्रेस को देखिए, एससी एसटी के वोट तो बहुत मिल रहे हैं, 57% एससी के वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, एसटी के वोट 51% मिल रहे हैं, मुस्लिमों के 83%, सवर्ण के 22%, जाट 36%, गुर्जर 39% और ओबीसी 29%। लेकिन जब बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी को कांग्रेस की तुलना में एससी और एसटी के वोट तो कम मिल रहे हैं, लेकिन सवर्णों के मामले में बीजेपी बहुत आगे है, कांग्रेस से 62% वोट सवर्णों के मिल रहे हैं बीजेपी को। और यही नहीं, महत्वपूर्ण यह भी है, गौर करिएगा, गुर्जरों के वोट के लिहाज से अगर आप देखें 43% बीजेपी को वोट मिल रहे हैं, जबकि सचिन पायलट के तौर पर कांग्रेस के पास एक बड़े गुर्जर नेता हैं। वहीं ओबीसी के वोट भी बीजेपी को ज्यादा मिल रहे हैं, जबकि अशोक गहलोत जो कि वहां पर कांग्रेस के चेहरे हैं, सीएम हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, वो खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं। तो क्या इन दोनों बड़े नेताओं के होने के बावजूद इनके समुदाय के लोग इन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल विजय जी आपसे है मेरा, इसके पीछे आपको क्या फैक्टर नजर आता है, ये जो जातियों का गणित हमने समझाया? देखिए, जातियों में जैसे आपने जिक्र किया वो बहुत ठीक लग रहा है मुझे, और गुर्जर वोट अगर भारतीय जनता पार्टी के पास गया है तो वो उसकी वजह एक तो ये है कि सचिन पायलट के साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट पिछले 5 साल में हुआ, पिछली बार बड़ी उम्मीद थी गुर्जर को कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे सचिन पायलट, तो शायद पूरा वोट उनके साथ था, अधिकतर वोट उनके साथ था, इस बार उसमें से काफ़ी वोट यहाँ पर गया है। ओबीसी को लेकर भले ही कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात करते रहे और अशोक गहलोत बिना किसी विवाद के सबसे बड़े ओबीसी लीडर हैं राजस्थान में, लेकिन ओबीसी का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है और नरेंद्र मोदी उसमें उनका बड़ा चेहरा होते हैं, वो एक बड़ा मुद्दा है जो नरेंद्र मोदी को अशोक गहलोत को न्यूट्रलाइज करता है ओबीसी वोट को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत बड़ी तादाद में ओबीसी वोट आया है। एक बात मैं जो समझ रहा हूँ इस चुनाव में, एक तो जो अशोक गहलोत जी ने कहा वो बात कुछ हद तक सही हो सकती है कि धार्मिक मुद्दा रहा कि नहीं रहा, यानी कि पोलराइज हुआ कि नहीं हुआ। मैं देख रहा था पूरा इलेक्शन की जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें काफ़ी जगहों पर जहाँ पर माइनॉरिटी वोट है उसमें से 50% से ज़्यादा पर वोट परसेंटेज ज़्यादा बड़ा है। 37 सीटें ऐसी हैं राजस्थान की जहाँ पर 80% से ज़्यादा वोट हुआ, उसमें तिजारा और पोकरण जैसी सीट भी है जो बहुत हाईली पोलराइज सीट मानी जाती है, कामा सीट मानी जाती है, तो वो हाईली पोलराइज सीट है। और करीब करीब 45-50 सीटें हैं जहां पर जो दूसरी पार्टीज हैं, बीएसपी है, आरएलपी है, बीएपी है, बीटीपी है, सीपीएम है, उनका वोट करेगा, और 19 बागी भारतीय जनता पार्टी के और 16 बागी कांग्रेस के हैं जो इन नतीजों को असर डाल सकते हैं। अभी आप जिनेंद्र जो हैं सीकर में खड़े थे, सीकर जो है कांग्रेस का वो माना जाता है, इलाका माना जाता है, शेखावाटी का पूरा इलाका, और गोविंद सिंह गोविंद डोटासरा जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी वहीं से हैं, लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वहाँ के लोग, जिसमें एक वोटर ने आपको कहा कि वो चाहते कांग्रेस की सरकार है लेकिन वो आएगी बीजेपी की सरकार, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा कि शेखावाटी और ढूंढाड़ में अगर बीजेपी ठीक से परफॉर्म करती है तो वो सरकार बना सकती है वहाँ। ठीक है, अब अखिलेश जी, ये जो हमने आंकड़ा दिखाया उसी से जुड़ा सवाल मेरा आपसे है कि आप जो बार बार बीजेपी से पूछ रहे हैं कि आपका चेहरा कौन राजस्थान में जी। आपके यहाँ कांग्रेस के खेमे में कहीं ये दिक्कत तो नहीं हो रही है कि चेहरे की ही लड़ाई हो गई और इस वजह से नुकसान ना हो जाए, अंदर खाने किसी तरह की कोई बगावत हो? देखिए, इसके पहले भी चुनाव हुए, चाहे हिमाचल के रहे हो चाहे कर्नाटक के रहे हो, हमारे आलोक भाई जो है इसी तरह के दिन में ही सपने देख करके बताते थे कि कहां 50 सीट क्रॉस कर रही है कांग्रेस, और परिणाम पता है क्या आया, और आज भी वही कर रहे हैं। तीन चार रटा रटाया इन भाजपाइयों को जो व्हाट्सएप पे पढ़ा दिया था, याद करा दिया था, वो अपना बताते रहते, वो अपना धर्म निभा रहे हैं, परिणाम आएगा तो दिख जाएगा इनको भी, दिखा भी है अतीत में। हमारे पास गैलेक्सीज है लीडरों की, बीजेपी के पास हमारे दो के अलावा कोई नहीं, कोई न। किस तरह से वसुंधरा को वहां पे प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया, वो मंच से लगाए, नीचे से लगाए, कमेटियों से लगाए, प्रचार में लगाए, भाषणों से लगाए, सब जगह दिखा है। असिम खान उनको नहीं, जो सीटिंग सीएम है मध्य प्रदेश में, चाहे उनको हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो, सब जगह की बात बता रहा हूँ। तो वहां तो सिर्फ दो है, तीसरा तो अगर छाए में भी उसकी फोटो आ जाए तो वो एडिट और धकिया के बाहर आ जाता है, चाहे वो जिस लेवल का नेता हो,
वहां पकड़ के खींच दिया जाएगा अगर प्रेम में आएगा। अजय जी छोटे में जवाब देना चाहेंगे, तो ये हमारे यहाँ जो आप ठीक है अखिलेश जी थोड़ा समय की कमी है, अजय जी को जल्दी रिपोर्ट कर दीजिए। गैलेक्सी है हमारे यहाँ जया लोग। देखिए ये कह रहे हैं कि लीडरों की गैलेक्सी है इनके यहाँ, इनके यहाँ कितने लीडरों की गैलेक्सी है, तो सबसे बड़े मूर्खानंद को अपना टॉप लीडर बना के क्यों रखा हुआ है भाई। लीडरों की गैलेक्सी है तो उतारिए किसी को अच्छे को, दिन भर एक ही रटरा रटे रहते हैं कि लीडरों की गैलेक्सी है। लीडर ही तो नहीं है, जरूरत से ज्यादा लीडर है आपके यहाँ। ज्यादा ज्यादा जोगी मठ उजार वही हाल हो गया आपका। हर स्टेट में तो लड़ते लड़ते सारे स्टेट को बर्बाद कर दिया, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो। एक सीएम बनने के लिए दूसरे सीएम से लड़ते ही रहता है, ऐसी नहीं चाहिए देश को, आपकी जरूरत नहीं है। और एक दो स्टेट गलती से जीत जाते हैं तो जानते हैं वो अच्छा होता है हमारे लिए, क्योंकि जब आप 5 साल वहां रूल करते हैं तो इंश्योर कर लेते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।